बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग विद अफशा खान। आज मैं आपके साथ एप्पल ब्रेड केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसे मैं आपको पतीलियाँ बनाना सिखाऊंगी। ये बहुत सॉफ्ट और जूसी सा बन के तैयार होता है। इसमें एप्पल चंक्स भी नज़र आ रहे हैं, बहुत सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। दो एप्पल ले लिए, दोनों एप्पल को मैं छील लूँगी। दोनों एप्पल छिल चुके हैं, इसे ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। देखिए कितना अच्छा ग्रेट हो रहा है, ग्रेटर से बहुत अच्छी तरह ग्रेट हो जाता है। आप इसे ग्रेटर से भी ग्रेट कर सकते हैं एप्पल को, और बारीक चॉप भी कर सकते हैं। इसी तरह मैं दूसरा एप्पल ग्रेट कर लूँगी। एक बड़ा बोल ले लेंगे, दो अंडे डाल देंगे। अंडे मेरे रूम टेम्परेचर पर हैं। साथ ही पीसी हुई चीनी डाल देंगे। इसे मैंने ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लिया था। चीनी हमारी 150 ग्राम है। दोनों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अंडे और चीनी अच्छी तरह मिक्स हो चुके हैं। इसमें कुकिंग ऑयल डाल देंगे 100 ग्राम। सबको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। सब अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। 2 पिंच सिनेमन पाउडर डाल देंगे, दालचीनी का पाउडर है ये, 1 टीस्पून वनीला एसेंस। दोनों को मिला लेंगे अच्छी तरह। सब चीज अच्छी तरह मिल चुकी है। अब इसमें मैदा शामिल कर देंगे। मैदा मेरा 1.5 कप है, इसे मैंने छान लिया था। मैदा शामिल कर देंगे। मैदा शामिल करने के बाद 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल देंगे। जो ग्रेट करे हुए एप्पल रखे हुए थे वो भी शामिल कर देंगे। सबको फोल्ड कर लेंगे अच्छी तरह, हल्के हाथ से करिएगा। इसे अच्छी तरह फोल्ड कर लेंगे। बेटर अच्छी तरह फोल्ड हो चुका है। ब्रेड केक मोल्ड तैयार कर लेंगे। मोल्ड को ग्रीस कर लेंगे मक्खन से। ब्रेड मोल्ड को मैंने अच्छी तरह ग्रीस कर लिया है। ब्रेड के बैटर को केक मोल्ड में निकाल लेंगे। ब्रेड के बैटर को सारा मोल्ड में निकाल लिया है। बैटर को सेट कर लेंगे स्पैचुला की मदद से। ऊपर से ग्रेट करे हुए एप्पल डाल देंगे। ग्रेट करे हुए एप्पल मैंने सब तरफ डाल दिए हैं। साथ ही मैं इसमें किशमिश डाल ली हूँ, ब्लैक और वाइट। मैं दो तरह की किशमिश डाल ली हूँ, ब्लैक और वाइट। किशमिश मैंने डाल दी है, इसे मैं चमचे की मदद से प्रेस कर लूँगी। प्रेस करने के बाद इसे एक दो दफ़ा टैप कर लेंगे, सब चीज़ें अच्छी तरह सेट हो जाए। सब चीज़ें अच्छी तरह सेट हो चुकी हैं, इसे बेक कर लेंगे। एक बड़ी पतीली को मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया था। पतीली अच्छी तरह प्री हीट हो चुकी है, इसे मैंने एक स्टैन रख दिया है। केक मोल्ड रख देंगे। ढक्कन को अच्छी तरह बंद करके इस पर कपड़ा डाल देंगे। सब तरफ से कवर कर लेंगे। अच्छी तरह कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पे बेक होने देंगे। बेक होते हुए 25 मिनट हो चुके हैं, इसे चेक कर लेंगे स्टिक की मदद से। अभी स्टिक गीली है, इसे 15 मिनट और बेक होने देंगे। 15 मिनट हो चुके हैं बेक होते हुए, इसे चेक कर लेंगे। स्टिक पूरी को क्लियर निकली है, इसे मैं निकाल लूँगी। ब्रेड केक को मोल्ड में से निकाल लेंगे। नाइफ की मदद से सब तरफ से चेक कर लेंगे, अगर कहीं से लगा हुआ होगा तो वो हट जाएगा। एहतियात से निकाल लेंगे, अभी गर्म है। अच्छी तरह से बेक हो चुका है, देखिए पीछे से भी अच्छी तरह से बेक हुआ है। बहुत सॉफ्ट बना है ये। इसे मैं आपको काट के दिखाती हूँ। इसे मैंने अच्छी तरह काट लिया है, आपको मैं चेक करवाती हूँ कितनी अच्छी तरह बेक हुआ है। एप्पल ब्रेड केक बहुत अच्छी तरह बन के सॉफ्ट से तैयार हुई है। ये बहुत सॉफ्ट नरम मुलायम से बना है, मक्खन की तरह माशाल्लाह से बहुत अच्छा बना है। इसमें चंक्स भी नज़र आ रहे हैं एप्पल के, नीचे के लेयर भी परफेक्ट बेक हुई है। एप्पल ब्रेड केक पतीली में बहुत ही आसानी से बन जाता है, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। उम्मीद है आज आपको एप्पल ब्रेड केक की रेसिपी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।